एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर प्रिया। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो आज सुबह से, आई डोंट नो, सुबह से कि रात भर से बारिश हो रही है। अभी तो वैसे 9 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ 8:30 बजे, तो मुझे पता नहीं कब से हो रही है, पर हाँ हो रही है। तो निको का जो बाहर निकलने का रहता है मॉर्निंग में, वो पॉसिबल नहीं है, वो भी नीचे ही है अभी, क्योंकि आवाज आ रही है मुझे रोने की उसकी। सो एक है सरप्राइज, हमारे घर में आए हैं गेस्ट फैमिली, जो भी बोल लो, काफ़ी दिनों से वेट था उनका, तो फाइनली कल रात को वो लोग पहुँचे हैं। देखते हैं कौन आया है हमारे घर में। सो यहाँ पर निको बैठा है अकेले सोफे पे, उसको खाना खिला दिया था रात को और उसे नहला भी दिया है, चेंज करा दिया नाइट सूट में। ऐसे ही बैठता है वो सोफे पे, जब भी बैठेगा सारे पहले कुशंस नीचे गिरा देगा और अपने आप अकेला सोफे पे बैठेगा। खैर, हम प्रे कर रहे थे कि सो ना जाए, क्योंकि इसकी हालत कुछ ऐसी लग रही थी, पर थैंकफुली वो सोया नहीं और उसने पूरा एंड तक वेट करा। और जब गेस्ट आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, हम उसे लेकर बाहर गए थे। कौन है? नानू। नीकू। नानू जे। जे। नीकू ऐसे देख रहा था। कह रहा है तो फोन के अंदर थे, बाहर भी आते हैं। जी। नानू नानी के आने पे तो जैसे निकू की नींद ही बिल्कुल खुल गई, बैठ गया सोफे पे जाके। वो रोज़ वीडियो कॉल में उन्हें नमस्ते करता था, जय करता था, तो वही उसको याद आ रहा था बार बार और उन्हें जय करा जा रहा था। खैर, वहाँ सोफे पे भी थोड़ी देर बैठा रहा दोनों के बीच में। उसके बाद जब मम्मी पापा बेडरूम में गए, वहाँ पर भी उसका कूद फांद बिल्कुल चालू था अच्छे से, और बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। काफ़ी लेट सोया वो उस दिन, कहाँ तो वो इतनी जल्दी सोने वाला था उस टाइम सोफे पे। और उसके बाद उसकी नींद ही बिल्कुल गायब होगी, आई थिंक वो जाकर फिर 11-12 बजे सोया। यस, तो ये है मेरे मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा आए हैं और अभी कुछ दिनों तक वो लोग यहीं रुकने वाले हैं। कल दिन में चले थे वो लोग घर से 2 बजे और रात को यहाँ पहुँचे हैं 9:30-10 बजे तक। उसके बाद हमने डिनर विनर करा, थोड़ी देर बातें करी। निक्कू काफ़ी खुश था, मतलब टिपिकल उसने वाला रिएक्शन दिया जो बच्चों का होता है ना, कि घर पे कोई आया है तो कूद फांद मचा रखा है, सामान इधर उधर, उनके मुंह पे जा जा कर देख रहा है, तो वो वाला सीन उसने रखा कल पूरी शाम। बल्कि रात को सोया भी वो उन्हीं के पास, हमारे पास नहीं सोया, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया, वरना निकू सुबह हिलता रहता है, उठ जाता है, तो उस वजह से हम लोग उठ जाते हैं। पर आज मुझे इसीलिए लेट हो गया क्योंकि निकू ही नहीं था हमें उठाने के लिए। तो अभी मुझे नीचे उसकी आवाज़ आ रही है, अभी मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि इतना ट्रैवल करके मम्मी पापा और भी थक गए हैं, पूरा ना बॉडी पेन टाइप हो रहा है उन्हें, तो थोड़ा सा निकू को संभालना ज़रूरी है मुझे, वरना वो लोग थक जाएंगे अभी बहुत जल्दी। सो चलते हैं अभी नीचे। तू आया भी नहीं ना मुझे देखने एक बार भी। मम्मी पापा के साथ सोया था रात को और मॉर्निंग में मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आया, नीचे एंजॉय कर रहा था। खैर, इसके बाद थोड़े गेहूं लाए थे हम लोग मार्केट से, क्योंकि हम लोग आटा नहीं लाते, हम सीधा गेहूं लाते हैं उसे पिसवाते हैं, तो एक बारी उसे छांट रहे थे गेहूं को और फिर पीसने को देने थे। और काफ़ी टाइम हो गया हमने पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं करा। और ये है हरा साग, जो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है, यहाँ पर नहीं मिलता है ये हमें, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा था लेकर आना और ये बाय फ्लाइट लेकर आए इतना सारा। हाय एवरीवन, तो आज मैं आई हूँ चेन्नई से। मॉर्निंग में मैं गई थी 8:30 बजे और वापस आई हूँ मैं, नहीं मॉर्निंग में शायद 9 बजे गई थी और वापस मैं पहुँची हूँ 8 बजे। और पहली बार खुद ड्राइव करके गई थी, मतलब पहली बार खुद ड्राइव करके गई थी, वरना मुझे नहीं जाने देते कहीं अकेले, ड्राइव नहीं करने देते। और अकेली भी थी, आते आते थोड़ा अंधेरा हो गया था, बट कोई नहीं। खैर, मेरे को जाना था पार्लर में, सारा काम करवाया, ड्रायर लगवाया था, लेकिन वो सारा गायब हो गया, वो कुछ अभी मज़ा नहीं आ रहा है उसमें। थोड़े से बाल सेट कराए थे क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है, पर वो सब बराबर हो गए, तो खैर उसका तो कुछ नहीं। देन वैक्सिंग करानी थी और ये मैंने नेल एक्सटेंशंस कराए हैं और ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये नेल आर्ट भी मैंने इसमें कराया है और नेल आर्ट मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, इसी वजह से मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगता है और इसमें 3 घंटे लग गए, तो वहाँ मुझे लेट हो गया। और मैंने बताया था 2-2.5 घंटे आने जाने में तो लगते ही हैं ट्रैवलिंग में हमें,
तो फिर इसलिए आज टाइम लग गया। खैर अभी तक हमारी पैकिंग नहीं हो रखी है, ये रखे यहाँ पे दोनों बैग, एक बैग और है नीचे। वैसे मैंने एक दिन पहले यहाँ पर ये सारा सामान रखा हुआ है, ये सब जो मुझे ले जाना है। तो अब बस ये फाइनल डालना, पैकिंग करना बाकी है। और अभी ऑलरेडी हो चुके हैं 10:15। खैर निकू सो गया इन सब चीज़ों के बीच में, ये अच्छा हुआ कि वो सो गया है। चलो अपना पैकिंग स्टार्ट करते हैं हम। मॉर्निंग अगेन। तो आज हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और ये है सामान। अभी तक बैग पैक नहीं हुआ है, मतलब बंद नहीं करा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट तक शायद कुछ और डालना पड़ जाए। तो अभी एक दो चीज़ें फिर भी डालनी है, बस मेरे को स्लीपर्स डालने हैं, बाकी सब कुछ हो गया है और हम रेडी हो गए हैं। बस नाश्ता करते हैं, निकलते हैं। 8:30 जाने का सोचा था, अभी 8:05 हो रहे हैं, तो होपफुली टाइम पे पहुँचेंगे। हाँ हमारी 12:30 की फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो वाया हैदराबाद है, तो हैदराबाद में थोड़ी देर रुकने को मिलेगा। और वहाँ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, मुझे इस फ़ोन की मेमोरी थोड़ी खाली करनी है, क्योंकि मैं जो भी शूट करूँगी दिन में वो मैं इस फ़ोन से ही करूँगी, कैमरा नहीं ले जाऊँगी। कैमरे से मैं भी शायद रात के टाइम पर शूट करूँ, तो फ़िलहाल उसकी मेमोरी खाली करना बहुत ज़रूरी है। निकू को छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा सा आज सुबह गिल्ट लग रहा था, क्योंकि जब वो उठा तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा था, और जैसी मैं गई वैसी वो खुश हो गया, वो खेलने लग गया, मेरी गोद में लेट गया थोड़ी देर आके, तो वैसा थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है। देखते हैं कैसा रहता है, बस वो टिक जाए 5-6 दिन, परेशान ना करें मम्मी और को। चलो अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं फिर निकलना है। सो फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट से भी हम लोग चल दिए थे। वहाँ मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अपना वही खाना पीना शॉपिंग उन सब में लग गए थे, तो वहाँ पर ज़रा सा भी शूट नहीं कर पाए, ज़्यादा लंबा लेओवर भी नहीं था तो इसलिए। बट ये जो व्यू है ना, आई जस्ट लव दिस व्यू, ये कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिख जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स प्लेन बादलों के ऊपर ही होता है, पर ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा, और इसको कैप्चर करे बिना मैं कभी नहीं रह पाती। बस हम ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी कैमरा उठाने का टाइम नहीं लगा। तो हमारी थी कनेक्टिंग फ़्लाइट हैदराबाद से, तो हैदराबाद थोड़ी देर रुक कर और फिर हम फाइनली गोवा आ गए। और हम कर रहे हैं अपने साथ वालों का वेट, जो हमारे फ्रेंड्स आने थे साथ में, वो लोग आ रहे हैं लखनऊ से। आई होप जो लोग मेरे को जानते हैं वो समझ गए होंगे लखनऊ से कौन आएगा। अभी भी इनकी फ़्लाइट लैंड हुई है और इसके बाद हमें निकलना है नॉर्थ गोवा के लिए, तो उसमें भी आई थिंक 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो बस ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, और हाँ इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो बहुत सारी बातें होने वाली है। सो तो मैं कभी भी वॉशरूम का वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट हाँ ये वॉशरूम था गोवा एयरपोर्ट का, पहले ये ऐसा नहीं होता था, अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका ज़रूर बना लूँ एक छोटा सा क्लिप। सो गाइज़ ये वीडियो होता है यहीं पर एंड, बट आगे का मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें आपको मैं अपना पूरा गोवा का ट्रिप दिखाने वाली हूँ। हम लोग मिले थे आखिर में, आई थिंक 4 साल बाद हम लोग मिल रहे थे एक दूसरे से, और काफ़ी अच्छा मेमोरेबल ट्रिप रहा है हमारा, तो प्लीज़ उसे देखना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।